यानी अगर आप ये हैं, अगर आपकी आइडेंटिटी ये है, तो हम चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप की एम्बिट से बाहर निकल जाएं। तो एनआरसी जो है वो एक टूल है, इट इज अ टूल ऑफ रेंडरिंग पीपल स्टेटलेस, ओके। एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज एक्चुअली अ पाथवे टू गिविंग इंक्लूसिव सिटीजनशिप टू द फेवर्ड आइडेंटिटीज। जिनको आप फेवर करते हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से, और जिनको आप तजना चाहते हैं, जिनको डिसफेवर करते हैं, उनको आप एनआरसी से स्टेटलेस कर देंगे, ठीक है। अब स्टेटलेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजीज को लेकर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सिग्नेटरी नहीं है, तो स्टेटलेस कैसे कर सकते हैं, वो कहते हैं हम जवाबदेही ही नहीं है किसी की, तो यूएन भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो इसको सिग्नेचर ही नहीं किया। इसमें और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, पर मैं क्योंकि काफी टाइम ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को देखिए, और उसके साथ जो शुरू में जिक्र किया था सर ने कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एक और चीज मैं इसमें जोड़ूंगी आधार, उसको अगर देखें तो एक पूरा एक नया रिजीम उभर कर आ रहा है गवर्नेंस का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सिटीजन जो है या कौन इंसान जो भारत की जो टेरिटरी के अंदर है वो फेवर्ड है, और उसकी सिटीजनशिप कैसे उस स्टेटस उसका तय होगा, और कौन जो है वो नॉन फेवर्ड है, और उसके साथ भारतीय गणराज्य जो है, जो भारत द स्टेट ऑफ इंडिया, वो कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट करेगा। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और आधार जो है, ये दोनों ही जो भी इंडिया में है, जो भी जहां रहता है उसका डेटाबेस है। आधार जो है उसमें बायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व है। एनपीआर जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो मैंडेटरी है, यानी जब एनपीआर की प्रोसेस शुरू होगी अप्रैल, आई थिंक वो ऑलरेडी उसको वो नोटिफाई कर चुके हैं, अप्रैल 2020 में वो शुरू होगी, वो ऑप्शनल नहीं है, हर किसी को जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा ये कहने के लिए कि मैं यहाँ हूँ। बायोमेट्रिक भी है उसमें, अच्छा उसमें भी बायोमेट्रिक है, तो मैं यहाँ हूँ अभी नहीं है, बात करते हैं। एक्चुअली अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, पर आई थिंक दे आर गोइंग टू लिंक आधार विद एनपीआर अल्टीमेटली। और आधार को उन्होंने ये कहा है कि आधार जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर आ चुका है, वो ऑप्शनल है, पर वो ऑप्शनल भी उसमें बहुत सारे केवियाट्स हैं कि किस कौन जो है, अगर आप इस तरह के, जैसे आप टैक्स पेयर हैं अगर, तो इनकम टैक्स के लिए आपको मैंडेटरी है, आपको आधार चाहिए ही है, कौन सी स्कीम्स हैं जिनके लिए आधार मैंडेटरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आधार एंड एनपीआर आर ऑल अबाउट रेजिडेंस, आप यहाँ रहते हैं, तो जो सिटीजन नहीं भी हैं लेकिन वो रहते हैं, तो उनको अपनी मौजूदगी और अपनी एग्जिस्टेंस को दर्ज करने के ये दो तरीके हैं, दो पाथवेज हैं। और एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इन मेनी वेज एनआरसी इज ऑल अबाउट एक्सक्लूजन, किसको आप एक्सक्लूड करोगे, और क्योंकि अभी जो नेशनल एनआरसी का जो बातचीत चल रही है उसमें ये क्लियर नहीं है कि डेडलाइन क्या होगी। असम के केस में तो डेडलाइन क्लियर थी क्योंकि बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, तो 71 की डेडलाइन जो है वो आपके लिए क्लियर थी, पर बाकी भारत में क्या डेडलाइन देंगे आप, वो कौन सी डेडलाइन होगी जिससे आप कहेंगे कि इससे पहले वाले लोगों को तो ठीक है हम मानते हैं, और इसके बाद वाले लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि वो है या नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर हमारे देश में कौन से ऐसे तबके हैं जिनके पास भारत के नागरिक होने के बावजूद भी उसको प्रूव करने के तरीके नहीं होंगे। तो अभी तक तो नागरिकता, मैंने आपको कहा कि बहुत ही जेनरस एंड एकोमोडेटिव पॉइंट से हम शुरू हुए 1955 में, और वहां से शुरू होकर हम ऐसे पॉइंट पे आ गए जहां पर हर एक नागरिक को आज की तारीख में ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो नागरिक है। यानी जब देश आजाद हुआ तब भी हमारे ऊपर ये बर्डन नहीं था कि आप प्रूव करो कि आप नागरिक हो, वरना हम आपको बाहर निकाल के फेंक देंगे, या हम आपको
जेल में डाल देंगे, क्या बोलते हैं, डिटेंशन कैंप्स में. लेकिन आज हम अपनी हिस्ट्री में एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमारी सरकार खम ठोक के पार्लियामेंट में ये कह रही है कि आप में से हर एक नागरिक को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं, वरना कंसिक्वेंसेस होंगे उसके. और वो प्रूव कैसे करेंगे, जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, जो अपने बिस्तर और अपने कपड़े संभाल कर नहीं रख पाते हैं मौसम से, और यहाँ तक कि बिस्तर और कपड़े तो छोड़िए, ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं कि अपनी जान बचाना मुश्किल होता है. इस तरह की पॉलिटिकल माहौल बन जाते हैं कि लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, वहां लोग कैसे प्रूव करेंगे कि वो सिटीजन हैं. तो ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट सिर्फ मुसलमानों का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होगा, ये एक्चुअली डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा हर उस तबके का जिसको कि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में जो कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टेट है वो उसकी केयर नहीं करता कि उनके साथ क्या होगा. मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे मैं अपनी बात को खत्म करती. मैं थोड़ा इसको बात को थोड़ा और मैं थोड़ा भी विस्तार देने की कोशिश करता हूँ. क्या विस्तार देने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा और आप बच्चे सब आप लोग बच्चे रहे हैं, तो जैसे कोई एक तस्वीर बनानी होती है तो आप देखते होंगे कि जैसे मैं खड़ा होकर बताऊंगा आपको कि जैसे ये डॉट 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 ऐसे हमने बना दिया है, इस पे आप लाइन खींचेंगे तो कोई एक तस्वीर बन जाएगी. सब लोगों ने ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज किया होगा. तो दरअसल जो ये बात इन्होंने जितनी सारी बातें बताई हैं, लगभग वो सारी बातें उसको आप समझिए कि एक नए तरह की नागरिकता के वो डॉट्स बनाए हैं इन्होंने. ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, जब वो लकीर पूरी जब आप खींचेंगे तो आपको वो नागरिकता समझ में आएगी. अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि वो जो नागरिकता है जिसमें कि आप लाइन खींचेंगे वो कैसे उसको समझने की कोशिश करें. जैसे मैं क्वेश्चन रेज करता हूं आपके सामने जो इन्होंने भी रेज किया कि क्या तमिल के सिवंदर को आपने क्यों नहीं उसमें मेंशन किया, क्या वो तमिल जो हिंदू है वहां अगर वो आएंगे तो क्या वो जो नई नागरिकता आप यहां बनाना चाहते हैं उसमें वो अगर वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं तो उसका क्या बेसिस है, उसका क्या सोशियोलॉजिकल वो बेस बनता है, तो आपको वहां पर एक सवाल का जवाब मिलेगा. नंबर एक. नंबर दो कि आप देखिए कि ये मसला केवल ये नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप, हम जहां रह रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जैसा कि इन्होंने बताया था. अब हो क्या रहा है, हमने एक एक्ट में अमेंडमेंट किया. एक्ट में अमेंडमेंट क्या किया था जिसके बारे में इन्होंने कहा कि डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल में हम ले गए कि ग्राम सभा ही हमारी सबसे बड़ी सभा हो, ग्राम पंचायत जो है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है हम ये मानते हैं कि विलेज बेस्ड डेमोक्रेसी है, वहां से हमारी डेमोक्रेसी खड़ी होती है. तो इसीलिए हमने वो अमेंडमेंट किया और हमने कहा कि हमारी जो पंचायतें होंगी वो सबसे बड़ी होंगी. ठीक है, अब हमने वो एक्ट में प्रोविजन कर दिया, लेकिन आज की तारीख में क्या क्या हुआ है. अब जहां जहां बीजेपी की सरकार हुई है, खासतौर से मैं बीजेपी का नाम ले रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बहुत ही पॉलिटिकल मसला है और नागरिकता का मसला इससे जुड़ा हुआ है. आप जहां जहां बीजेपी की सरकारें बनी है उसने एक अमेंडमेंट किया. अमेंडमेंट यह किया कि जो लोग दो बच्चे से ज्यादा के मां बाप हैं, यानी जिन मां बाप को दो से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव लड़ने के का अधिकार खो रहे हैं. यानी कि सिटीजनशिप को तो आप बरकरार रख रहे हैं, लेकिन इस सिटीजन का जो अधिकार है, जो एक डेमोक्रेटिक अधिकार है कि वो रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको आप कैसे खत्म कर रहे हैं. ठीक, आप कहां कहां ले जा रहे हैं हमको. मैं थोड़ा और आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं कि पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था. जब P-1947 की जो स्थिति थी चुनाव की वो क्या थी, उस चुनाव में कुछ खास लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया जाता था, कुछ खास लोगों को ही. उसमें जो जमींदार होते थे, जो मालगुजारी देते,
वही केवल वोटर होते थे। तो ये केवल मसला केवल सिटीजनशिप का नहीं है, मैंने आपको जोड़ा एक सोशल, एक जो बेस है उससे जोड़ा, दूसरा मसला जोड़ा मैंने आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है उससे मैंने जोड़ा, तीसरी बात जो मैं आपको खास तौर पे कहना चाहता हूं कि दरअसल देखिए क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को आप बनाकर रखते हुए आप कैसे एक नई नागरिकता का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही ऊपर क्या है। जैसे मान लीजिए कि जिस आधार की चर्चा की हुआ, आधार को पहली बार ऐसा हुआ, फाइनेंस बिल एक होता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में जो फाइनेंस बिल होता है वो लोकसभा का बिल होता है, एक तरह से वो जब पारित करता है तो उसको माना जाता है, उसमें राज्यसभा का बहुत से नहीं होता है, बहुत क्या नहीं होता है, अगर लोकसभा पारित कर दिया तो पारित कर दिया, यानी कि हाउस ऑफ जो पीपुल है, हाउस ऑफ द पीपुल जो है उसको अगर पास करता है तो वो पास माना जाता है। आधार जो कि आप, हम कहां बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, और खासतौर से प्राइवेसी के जो राइट्स है उसका उल्लंघन हमारे आधार से हो रहा है। अब इस प्रावधान को, कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रावधान पर जो आप सवाल खड़ा कर रहे थे उसको खत्म करने के लिए, यानी उसके प्रभाव को इलिमिनेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि इसको हम एज ए फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। लॉजिक केवल ये बनाया आपने कि चूंकि हम लोगों को सब्सिडी देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, इसीलिए फाइनेंस बिल है। मतलब आप एक पूरी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, जिस चीज का एक कंसेप्ट तैयार कर रही है एक उसका, उसको आपने केवल और केवल जो है उसको आपने फाइनेंस बिल के रूप में प्रेजेंट कर दिया। तीसरा, आप कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स नहीं है, पता नहीं अभी क्या हो रहा, हम के बाबा हो चुका है ऑलरेडी, बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। आप आज की तारीख में, मैं आज की तारीख में वोटर नहीं हूं, मैं क्यों नहीं वोटर हूं, मेरा वोट खत्म हो गया, मैं सिटीजन हूं लेकिन मेरा वोटर खत्म हो गया। मैंने आपको बताया कि मेरा लड़ने का, मेरा रिप्रेजेंटेशन का अधिकार खत्म हो गया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, मैं वोटर नहीं हूं। मैं वोटर कैसे नहीं हूं, क्योंकि जो वोटर, जो नए वोट कार्ड, वोटर लिस्ट के लिए जो नया एक चलता है प्रोविजन है ना, कि आपके रिवीजन का प्रोविजन है, कि रिवीजन आपके वोट का किया जाएगा, आपके जाके घर में पूछा जाएगा कि आप हैं कि नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी काफी नहीं है, आपको एक बायोमेट्रिक्स, एक जो आइडेंटिटी जो कार्ड है वो देना जरूरी है, यानी लिंक करना जरूरी है इलेक्शन कार्ड से, तो आप तो वोटर भी अब नहीं रहे आप, और अगर आप वोटर तभी रहेंगे जब बायोमेट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि आप वहां जो ये प्रोविजन दिखता भी नहीं है कि वोटर के लिए जरूरी है, लेकिन आपके वोटर होने का अधिकार भी खत्म कर दिया। तो आप इस पूरे इस नागरिकता जो बन रही है, इसके जो डॉट्स डॉट्स अलग अलग जो बने हुए हैं, उसको पूरे ग्राफ्स को जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि सारी व्यवस्था, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हो रहा है कि पहले हमने जो आईपीसी बनाया था वो ये बनाया था कि अगर स्टेट कोई आप पर एलिगेशन लगाता है, आप पर कोई आरोप लगाता है, तो स्टेट को यानी कि सरकार को यानी कि पुलिस को ये प्रूफ करना है कि आपके खिलाफ जो ये चार्जेज है वो चार्जेज इस आधार पे हमने लगाए हैं, और एक खुली अदालत में वो सब सबूत दिखाए जाते हैं। लेकिन अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, अब नहीं है, अब ये है कि आपको बताना है, यदि मैं आपको आतंकवादी कह रहा हूं, यानी कि मैं पुलिस, मैं सरकार, मैं स्टेट मशीनरी, अगर आपको मैं कह रहा हूं कि आप आतंकवादी हैं, तो अब मुझे यह साबित नहीं करना है कि आप आतंकवादी हैं, मैंने आपको कहा, अब आपको प्रूफ यह करना है कि आप आतंकवादी नहीं है, अब आपको प्रमाणित करना है। ठीक उसी तरह से अब आपको प्रमाणित करना होगा कि आप देश के नागरिक हैं। अब ये मेरी जो जिम्मेवारी थी, यानी कि स्टेट की, कि हाँ ये हमारा नागरिक है, हमारे हमारी स्टेट का
ये जो पॉलिटिकल जो कम्युनिटी की जो बात कर रही थी रेजा, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी का ये मेंबर हमारा है। अब आपको प्रूफ करना है कि आप इसके सिटीजन हैं, तो कैसे, अब आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो कुल मिला के जो मैं आपको ये पूरा जो तस्वीर जो बन रही है, वो होता क्या है कि जब कोई नया एक नक्शा खींचा जाता है, तो नया जब नक्शा खींचा जाता है तो ऐसा नहीं होता कि बना बनाया आता है नक्शा आपके सामने कि देखो अब ये नक्शा आ जाएगा। अब जो ये नई नागरिकता की परिभाषा जो बन रही है, नई नागरिकता जो बन रही है, जैसे असम के जो अभी एक मंत्री का दिलचस्प बयान है, उसके बाद मैं कंक्लूड करता हूं, खत्म करता हूं, उससे बात बहुत सारी स्पष्ट हो जाएगी। मंत्री ने यह कहा कि जो नया एनआरसी जो यहां असम के लिए लागू हुआ है, अगर वो लागू हो जाएगा तब तो हम कई सीटें हमारे हाथ से चली जाएंगी, हम कई सीटें लूज कर जाएंगे। यानी कि आप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आप नए नागरिक कैसे लाए, नए नागरिक कैसे बनाए, इसका इंतजाम आपको करना है। और जो नागरिक है उनको कैसे आप एक्सक्लूड करें, इसका एक इंतजाम आपको करना है। और इसमें तमाम तरह के जो सवाल है हमारे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारे सवाल इसमें इन्वॉल्व है। ये मुझे आपकी पूरी बातचीत से लगा। और प्रशांत अगर वो एनआरसी पर कुछ बोल रहा है, एनआरसी में करूंगा 5 मिनट के लिए, लेकिन उसके पहले क्योंकि एनआरसी थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो अभी जो 2 प्रेजेंटेशन हुए और जो शुरू में मैंने कहा, यानी नागरिकता के सवाल पे, तो नागरिकता के सवाल पे अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं और उसको और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं सवाल। हाँ पीछे सर, कहीं ना कहीं लगता है पॉलिटिकल गेम है, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने का कहीं ना कहीं एनआरसी को लाया गया, या ये बोल रहे हैं कि पूरा इंडिया के अंदर एनआरसी लागू होगा, तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं पहुंच पाएंगे लास्ट में, तो ऐसा आपको लगता है कि पॉलिटिकल गेम पूरा क्रिएट किया गया है? अब ये तो दूसरे जो मुद्दे, एक जो मंदिर मुद्दा था वो खत्म हो गया, इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि एक और नया मुद्दा क्रिएट करके खास करके कम्युनिटी को टारगेट करके। आपका सवाल ही जवाब है और क्या कहेंगे उसमें, तो आपका सवाल ही जवाब है। आपको मेरे लगता है क्या? अब मुझे भी ऐसे लगता है जैसा आपको लगता है क्या? और ये तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, नहीं की जाती हैं, और वो वोटों को पोलराइज करने के लिए किया जाता है। वो पॉसिबल हो ना हो, आगे कोर्ट में चैलेंज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या रुख अख्तियार करता है, ये सब चीजें अभी देखना बाकी है। लेकिन उस प्रोसेस में तो पोलराइजेशन एक होगा, उस पोलराइजेशन का फायदा होगा या नुकसान होगा, जो भी होगा वो भ्रांति फैलेगी, उसी के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग यहाँ से जो आधार बनेगा, बेस बनेगा, जो प्रोफेसर गजाला ने बताया, उससे आगे की और रिसर्च करें, और कम से कम जो सरकार या पोलिटिकल पार्टी और या कुछ लोग और इसमें कोई भ्रांति फैलाना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आप दूर करें, और आपका जो क्रिटिसिज्म हो वो बड़ा फैक्ट बेस्ड हो, मेरिट हो उसमें। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक तरह का टूल समझ लीजिए इसको, जो मैं क्योंकि एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, रिसर्च करती हूँ, लिखती हूँ, तो मुझे बहुत पावरफुल टूल लगता है, मुझे लगता है शायद जर्नलिस्ट को भी वो काफी फायदेमंद रहेगा। वो ये कि अब जो हम जो ग्लोबल जो रिजीम है पूरी दुनिया भर में, दो जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता के दो केंद्र जिसको कह सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन, वो दो केंद्र क्या है? एक है कैपिटलिज्म, ग्लोबल कैपिटलिज्म, और दूसरा है मॉडर्न नेशन स्टेट। ठीक है, दो चीजें। और मॉडर्न नेशन स्टेट माने हिंदी में तो देश एक शब्द है, पर अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस आप में से जो लोग पढ़े हैं स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे आपको याद होगा, दो शब्द है, एक है नेशन और एक है स्टेट। नेशन और स्टेट में फर्क को समझना बहुत जरूरी है, और वो फर्क जो है वो बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। वो फर्क ये है कि नेशन जो है वो अक्सर एक कल्चरल फिनोमेना है, तो हम नेशन की जब भी बात करते हैं ना,
तो वो एक कल्चरल कम्युनिटी की बात होती है, उसमें कहते हैं कि सब एक है, तो ये जो पूरा वन नेशन वन ये वन फलाना वन ढिमकाना ये जो सब चल रहा है वो कल्चरल नेशनलिज्म की बात है। तो कल्चरल नेशनलिज्म जो है वो हमेशा एक्सक्लूजनरी होती है, क्योंकि वो हमारे जैसे जो है वो सब हमारे हैं और जो हमसे फर्क है वो हमारे नहीं है, वो उनको एक्सक्लूड करती है। तो नेशन अपने आप में जो है वो एक एक्सक्लूजनरी कम्युनिटी है, वो बनती ही इसके इस बेसिस पे है कि दूसरा कौन है। यानी हम हर बात में पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान इज आवर सिग्निफिकेंट अदर, उसी से डिफाइन हम होते हैं। जो पाकिस्तान नहीं है वो भारत है ना। तो अब भारत लेकिन सिर्फ एक नेशन नहीं है। कल आप में से जो लोग पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो कल एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चर्चा हुई राज्यसभा में, वाइको जो है उन्होंने उसको प्रपोज किया था, और उन्होंने बेसिकली अमेंडमेंट्स का डिमांड किया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट के जो लिस्ट है स्टेट की पावर्स की और सेंट्रल जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उनमें बहुत ज्यादा घालमेल हो गया और जो स्टेट्स को और ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भारत जो है वो एक नेशन नहीं है, इट्स एक्चुअली अ यूनियन ऑफ मेनी नेशंस। ठीक है, तो अब स्टेट जो होता है वो एक्चुअली पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, ये फर्क देखिए। नेशन जो है वो कल्चरल कम्युनिटी होती है, लेकिन स्टेट पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है। सिटीजनशिप जो है वो उस पॉलिटिकल कम्युनिटी की मेंबरशिप है। हर वो इंसान जो भारत का नागरिक है वो भारत की जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसका मेंबर है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी कुछ भी हो। लेकिन अगर सिटीजनशिप का पूरा डीएनए ही चेंज हो जाएगा, और डीएनए ये हो जाएगा कि जो मेजोरिटेरियन कंसेप्शन है इंडिया का, यानी भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अगर तो जो हिंदू राष्ट्र के तहत जो लोग आएंगे वही सिटीजनशिप सिटीजन होंगे, और क्योंकि बाकी जो अदर है वो इतने सारे हैं तो उनका क्या करें। बहुत सारे लोग जो है वो नाजी जर्मनी और हिटलर और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और ज्यूज के साथ जो हुआ उसको याद करते हैं। मैं वहां तक नहीं जाना चाहती, मुझे वो काफी डिफीटिस्ट बातें लगती हैं, लेकिन कम से कम दूसरे दर्जे की नागरिकता पे तो लोग अब सेटल होना शुरू हो गए, उन्होंने मान लिया है कि ठीक है हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। और ये दूसरे दर्जे की नागरिकता जो है, जो अनिल जी ये डॉट्स की बात कर रहे थे ना, ये खाका धीरे 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 बहुत सालों से खिंचता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आज सडनली, अब क्या हो रहा है कि वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका जो सवाल है ना, सॉरी मैं उस पर वापस आ रही हूँ कि ये ठीक है, मतलब ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है जो किसी एक पार्टी ने बैठकर एक दिन बना ली। वो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो बहुत ही सिंपलिस्टिक होगा। पर कल्चरल नेशनलिज्म हिंदुस्तान में तो हमारा टूल था जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी हमने कल्चरल नेशनलिज्म को इस्तेमाल किया। लेकिन वही कल्चरल नेशनलिज्म जो हमारी स्ट्रेंथ एक जमाने में था, वो कल्चरल नेशनलिज्म जो है वो अदर को और अदराइज और दूसरों को एक्सक्लूड करने में अगर ये लग गया, और ये डेफिनेशन से हम कभी नहीं निकल पाए। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है, जब अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिक और नॉन इंडिक रिलीजन्स को की फर्क को हमने पूरी तरह से हम निकाल नहीं पाए, क्योंकि हम अपने आप को कभी उस मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी और मॉडर्न लिबरल सिटीजनशिप के खाके में कभी फिट नहीं कर पाए। आप में से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते होंगे या आजकल उनके सिटीजनशिप से रिलेटेड डेमोक्रेसी से रिलेटेड उनके जो व्यूज थे उसको अगर आप देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे ही वॉज एक्चुअली नॉट वेरी होपफुल अबाउट ऑल दिस एंड ही काइंड ऑफ फोरसॉ दैट दिस विल हैपन, बिकॉज उनको जो जो 74-73 अमेंडमेंट की बात हो रही थी उसकी सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि भारत जो है वो हमारे गाँव में बसता है, हालांकि अम्बेडकर कहते थे कि विलेज कम्युनिटी इज अ डेन ऑफ इग्नोरेंस। वो विलेज कम्युनिटी को रोमांटिसाइज नहीं करते थे, वो कहते थे वहां तो सारा छूत सारी जितनी भी गलत प्रैक्टिसेस रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है वो सबका गढ़ है, वो उसको मानते हैं, और इसलिए वो कभी ग्राम सभा को इतनी पावर नहीं देना चाहते थे, जो कि हमने बाद में 74-73 अमेंडमेंट के तहत लोकल गवर्नेंस को हमने दिया।
तो उस वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है, पर मैं सिर्फ एग्जांपल आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो पूरा मसला है ना, इसको आपको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। और जब तक भारत के एक एक देश बनने की जो हिस्टोरिकल कहानी है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। दूसरा हिस्सा जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जो मैंने दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बोला था, वो कैपिटलिज्म। तो ये जो आधार वगैरह का और जो एक्सक्लूजन का पूरा मसला है ना, आप निकाल क्यों रहे हैं? आप इसको निकाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, कभी किसी कम्युनिटी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी को कहते हैं दो बच्चों से ज्यादा होगा तो, दसवीं पास नहीं हुए होगे तो, इससे हर चीज से एक्सक्लूजन। तो एक जमाना था जब भारत की जो शुरुआती दौर था, जो पहले दूसरे दशक में, वहां जो भी सरकार की तरफ से वेलफेयर होता था सिटीजन्स के लिए, वो सबके लिए होता था। तो राशन की दुकान में राशन सबको मिलता था। अगर आपके पास कुवत है कि आप और अच्छी चीनी खरीद सकते हैं और साफ बढ़िया चावल खा सकते हैं तो आप मत जाइए राशन की दुकान पे, लेकिन आप अगर वहां जाएंगे तो आपको मना नहीं होता था। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि वो पूरी मशीनरी लगी हुई है कि बीपीएल कौन है, ये कौन है, वो कौन है, कौन कौन वो लोग हैं उनको पहचानो जिनको राशन नहीं देना चाहिए सरकार को, कौन वो लोग हैं जिनको वोट देने से बाहर कर सके, कौन वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल से बाहर कर सके। जब हमने राइट टू एजुकेशन दिया तो भी हमने उसमें कहा कि अच्छा प्राइवेट स्कूल्स में आपको इतने परसेंट आपको मिल जाएगा, फिर वहां जाके आप आपस में लड़ते रहिए कि किस बच्चे को मिलेगा किस बच्चे। हमने यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं दिया, पब्लिक एजुकेशन, सबको एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी। तो अभी जो स्टूडेंट्स का, मैं जेएनयू से आती हूँ तो आप समझ सकते हैं, पर अभी जो स्टूडेंट्स का पूरा एजुकेशन चल रहा है वो इसी के खिलाफ है। तो ये जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन का गेम है, वो कुछ तो कल्चरल नेशनलिज्म का गेम है और कुछ वो ग्लोबल कैपिटलिज्म का गेम, और वो किसी एक पार्टी की धरोहर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर वो ऐसा होता तो हमको पता होता कि हम इसको अपोज करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये, तो फिर हम उसी को करने लगते सब मिलके। पर इतनी सब कंफ्यूजन है और इतना मुश्किल है इसको रेजिस्ट करना, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है और उसके मतलब चारों तरफ वो फैले हुए हैं। और एक बात जो मुझे जो हिंदी की, चूंकि हिंदी की बैकग्राउंड के बहुत छात्र है, हम लोग को दरअसल जो हिंदी में क्या दिक्कत होती है, और मैं ये खुद महसूस करता रहा हूं तब मैं ये बात बोलता हूं, स्टेट को समझना है हिंदी के बैकग्राउंड के छात्रों को ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां जो स्टेट को ट्रांसलेट करता है वो कर दिया बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसको स्टेट के रूप में ट्रांसलेट करके वो स्टेट को समझना चाहता है। इस ये पूरे स्टेट का जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, उसको वो समझने ही नहीं देता। तो मैं खासतौर से यहां ये इसलिए आप लोगों को कह रहा था कि जो ये नेशन और स्टेट बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, तो आप स्टेट उसको आप मान लीजिए उसको प्रदेश कहिए, और ये जो राज्य व्यवस्था है, स्टेट का मतलब राज्य व्यवस्था, और ये जो हमारे यहाँ जो गणराज्य में जो स्टेट कहे जाते हैं वो प्रदेश है, प्रदेश है। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर करके एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जोन से। तो सवाल और मैं अभी आपने जो कहा दूसरे दर्जे की नागरिकता की बात की, बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये क्या है, कौन लोग हैं जो ये दूसरे दर्जे की नागरिकता एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या है ये दूसरे दर्जे की नागरिकता, क्या उनके लिए अलग से कोई कार्ड इशू किया गया है, क्या ये एक हाइपोथेसिस है या एक फैक्ट है कि रियली इंडिया में अब दो तरह के नागरिक हो चुके हैं? बहुत ही मुश्किल पर इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने एक्चुअली आपने मौका दिया कि मैं इस पर सोचूं, पर अगर आप नेशन और स्टेट की जो मैं बात कर रही थी वापस अगर उस पर जाऊं, तो नेशन जो है वो सिर्फ लोगों की कम्युनिटी होती है, और स्टेट जो होता है वो टेरिटरी होती है, यानी उसके साथ जमीन जुड़ी हुई होती है। नेशन तो कोई भी हो सकता है, जैसे आप अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए थे कहीं और भी चले गए आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते रहिए, या पंजाबी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि कोई हिंदुस्तान से पंजाबी पाकिस्तान साइड में जाते हैं तो इतनी बॉनहोमी होती है, वो पंजाबियत एक अपने आप में एक चीज़ है, पंजाबी नेशनलिज्म तो नहीं पर एक
नेशन की एक फीलिंग होती है, मराठी लोगों की एक अपनी, हर तरह के रीजनल नेशनलिज्म जो चलते हैं. अब ये वो टेरिटरी पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो फीलिंग जो होती है कि ये मैं यहाँ की हूँ, मैं इस कल्चर से जुड़ी हुई हूँ, वो फीलिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि जमीन से जुड़ी है, पर स्टेट जमीन से जुड़ा हुआ होता है. अब ये जो टेरिटोरियल फीलिंग है वो स्पेस की, उस स्पेस में जिस तरह के कानून है और वो कानून या कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है वो अपने आप में एक रियलिटी को पैदा करता है. यानी जो मैं आपसे कह रही थी कि लंबी हिस्ट्री है, वो लंबी हिस्ट्री अगर आप कानून, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में ही आपको वो लंबी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ये सब चीजें क्यों हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर ये पूरी लीगल हिस्ट्री को पढ़ने के बाद दो एक्सपीरियंसेस आते हैं सिटीजनशिप के, और ये जो दूसरे दर्जे की नागरिकता की जो लोग बात करते हैं, और मैंने खुद उसका जिक्र किया, वो फॉर्मल एक स्टेटस की बात नहीं है, वो एक्सपीरियंस की बात है. यानी फॉर्मल स्टेटस मेरा तो है कि मैं भारत की बराबर की नागरिक हूं, पर क्या मेरा एक्सपीरियंस भी यही है? मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं. तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉर्मेटिवली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया और आपको फॉर्मली बराबर का दर्जा मिल गया, लेकिन नॉर्मेटिवली जो है वो क्या है? नॉर्मेटिवली तो यहाँ तक है कि आप नॉन सिटीजन हैं. मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बहुत से हमारे यहाँ ऐसे भी इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस रहे जिससे कई दफा ऐसा लगता है कि वो कहता है कि मैं मतलब क्या, मैं नागरिक हूँ, मेरा क्या हक है यहाँ पे. और हम में से हर किसी को शायद कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है. दलित जो है तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझे जाते हैं. बिल्कुल, आप तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझे, सिटीजन की तो बात ही अलग है. इस तरह से देखें तो फिर कई दर्जों की नागरिकता चल रही है. हाँ, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं दूसरे क्या किसी और दर्जे का हूँ. बिल्कुल, या मैं दलित हूँ तो मैं किसी और दर्जे का हूँ. देखिए, अब आप सिंपल चीज देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है आर्टिकल 14 में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ. लेकिन क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ है? आप सारी आइडेंटिटीज को छोड़ दीजिए, कल्चरल आइडेंटिटीज को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप किसी एक खास तबके से आते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है जो लीगल पूरी मशीनरी है? NLUD जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां के एक डिपार्टमेंट ने डेथ पेनल्टी पे रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में जितने भी लोगों को मौत की सजा दी गई है वो ज्यादातर दलित और गरीब है. तो क्या ऐसा नहीं है कि अमीर लोग जो है वो कोई मर्डर कभी उन्होंने या हिनेस कोई क्राइम ऐसे किए? मैंने मुझे याद है 84-83 के आसपास मैंने बिहार के कुछ जिलों का स्टडी किया, बिहार की जिलों की स्टडी की. अब बोलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है. हाँ, ये बता दूं तो वो बहुत छपा, बहुत मैंने स्टडी में ये पाया कि जेल में जो कैदियों की जो मौत होती है उसमें मोर देन 99% वो दलित होते हैं. मोर देन 99% दलित होते हैं. तो काफी उस पर उस समय लिखा गया कि ये जेलों में मरने वाले जो कैदी होते हैं वो दलित ही क्यों होते हैं कुछ जेलों का. फिर वो फिर बिहार के स्तर पे हम लोगों ने स्टडी करवाई है, बिहार के जेलों में आया तो फिर तो वही बात आई कि इसमें दलित के बाद अगर कोई नंबर आता है तो जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, वो भी आते हैं. तो क्यों मर रहे हैं? अब बड़ी संख्या में लोग मरते हैं वहां, कैदी मरते हैं. तो ये जो एक्सपीरियंस वाली जो बात है वो मुझे लगता है कि सिटीजनशिप के साथ क्लब जुड़ी हुई बात. एक छोटा सा ये जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग SC जैसे दोयम दर्जे के हैं एक्सपीरियंस में, तो ये प्रिविलेज और फर्स्ट दर्जे का कौन है इस देश में? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल की बात करें तो ये फर्स्ट दर्जे का नागरिक कौन है मैम? अगर आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट, और अगर कोई दूसरे दर्जे का तो बने कैसे पहले दर्जे? लेकिन इस तरह के सवाल से हम लोगों का जो नेचर है ना यहाँ बात करने का वो इस तरह का नहीं है. हम लोग दरअसल बिल्कुल सेंसिटाइज करने के लिहाज से काम है. मैम, सिटीजन जब आएगा तो बहुत सारे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लाखों लोगों को मिलेगी.
तो इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या मतलब इसका स्ट्रगल होगा? जैसे अभी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है हमारी, हेल्थ सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर पे और इम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा इसका, अगर बहुत सारे लोगों को इंडिया की नागरिकता दी जाएगी तो? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी के पास बहुत रियलिस्टिक एस्टिमेट नहीं है कि कितने लोग हैं जिनको एक्चुअली इस तरह की से इंक्लूजन मिलेगी। एटलीस्ट मैंने तो अभी तक मेरी नजर से तो गुजरा नहीं है। पर दूसरी तरफ मतलब ये सिचुएशन है कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, खासतौर से जो हिंदू है, उनकी संख्या है वो राजस्थान के इलाकों में वो लोग हैं, उनकी संख्या है, उससे एक अंदाज लगा सकते हैं। और भी जैसे यहाँ पर भी आपके नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी, तो आप उससे एक अनुमान लगा सकते हैं जो विस्थापित जिनको हम कहते हैं, वो तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हुए लोग या पाकिस्तान से हिंदू, उससे एक अंदाज लगा, वो तो ऑलरेडी इकोनॉमी में शामिल है, कहाँ एक्स्ट्रा उनको हम प्रिविलेज दे रहे हैं। अमेरिका से कोई 10 लाख लोग आ जाए, जर्मनी से आ जाए तो लगता है कि सीरिया से जर्मनी की बात कर रही है। सवाल पूछ रहे हैं वही मैं उस पर वापस जाती हूँ कि ज्यादातर जो इस तरह के जो रिफ्यूजीज इंडिया में हैं, वो क्योंकि इंडिया रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, तो इनमें से ज्यादातर को तो स्टेटस नहीं है, फॉर्मल स्टेटस नहीं है रिफ्यूजी का, पर जितने भी हैं वो ज्यादातर गरीब हैं, और वो गरीब है और वो एक्चुअली एक नजरिया ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत कम यहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि उनकी अपनी सिचुएशन इतनी प्रिकेरियस है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उसको वो सब्सिडाइज ही कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, और उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। एट वन लेवल जो हम जो मतलब मेरे जैसे जो एक्टिविस्ट या स्कॉलर्स हमेशा जिसकी पैरवी करते हैं, वो पैरवी ये है कि भारत को एक्चुअली जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है यूएन की उसको साइन करना चाहिए, और जो इंटरनेशनल लॉज है रिफ्यूजीज के राइट्स के प्रोटेक्शन के उसको फॉलो करना चाहिए। अब उसमें कोई भी धर्म हो उन रिफ्यूजीज का, उनको ह्यूमेन ट्रीटमेंट भारत को देना चाहिए। तो ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है कि बाहर से आ जाते हैं तो वो हमारे रिसोर्सेज को ले लेते हैं, इस चीज से तो पूरा यूरोप फॉर एग्जाम्पल परेशान है। तो अगर कोई एक कम्युनिटी बहुत बेहतर हो जाए सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, तो फिर वो ये सोचने लगती है कि अरे बाहर वाला आ जाएगा तो वो कर देगा। दूसरी तरफ ये भी होता है कि जब हमारे बुरे दिन चल रहे होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अरे यार ये भी आ गया उसी में, गरीबी में आटा गीला जिसको कहते हैं, कि ये भी आ गया, ये भी बटाएगा रिसोर्सेज। पर ऐसा है नहीं, अगर इकोनॉमिकली आप इसको देखें, और बहुत मतलब खतरनाक टाइप का मजाक है, पर बहुत से लोगों ने इस तरह के भी मजाक करने की कोशिश की, कुछ पॉलिटिक्स में जो लोग शामिल हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये इतना ये जो डिटेंशन कैंप्स बनेंगे और ट्रिब्यूनल्स में लोगों को नौकरी मिलेगी, वकीलों को काम मिलेगा उसमें, है ना, तो एक अलग किस्म की इकोनॉमी चालू हो जाएगी कि कौन उसमें शामिल है और कौन किसको हम बाहर निकालेंगे और उनके साथ क्या बर्ताव करेगा भारतीय राज्य जो है, उससे ही एक इकोनॉमी शुरू हो जाएगी अपने आप में। तो इकोनॉमिक जो सवाल है वो आई थिंक ह्यूमैनिटी के सवाल को तो दे शुड नॉट ट्रम्प। तो और ये आइडिया कि बाहर वाले आ जाएंगे, ये भी कल्चरल नेशनलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपने कहा ना इसी से डराया जाता है कि वो हुआ है वो आ जाएगा फिर पता नहीं क्या होगा, आप उसी से डर जाते हैं। एक सवाल और ले लें, दो सवाल हाँ। अपने अभी जहाँ से बात खत्म की, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को थोड़ा यूपी की सिचुएशन के बारे में बताऊं। अभी एनआरसी तो लागू नहीं हुआ है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर बात हो रही है। 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश में वहां के जो डीजीपी हैं उन्होंने एक चिट्ठी जारी की सभी जिलों में, जो जिलाधिकारी हैं उनको एक चिट्ठी लिखी, और उसमें उन्होंने लिखा कि आपके जिले में जो पेरिफेरी पर घुमंतू लोग रहने वाले हैं, और उन्होंने घुमंतू लोगों का जो संबोधन किया, उन्होंने लिखा जो बांग्लादेशी हैं उनकी आप पहचान करिए, उनकी संख्या पता करिए, और कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो शहर की पेरिफेरी में, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन के आसपास,
ऐसी जगहों पर और उनका बायोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लीजिए, और अगर उनमें से किसी ने अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिया किसी भी तरह का आधार वोटर कार्ड, तो उसको निरस्तीकरण की उसकी कार्रवाई शुरू की जाए और जिसने बनाया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें आप। ये उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि डीजीपी या पुलिस को क्या पावर है कि वो नागरिकता को चेक कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं बांग्ला भाषी हूं तो क्या मैं बांग्लादेशी हूं। तीसरी चीज कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे पास आधार वोटर कार्ड है और मैं बंगाली बोल रहा हूं और मैं अयोध्या में रह रहा हूं, तो वो वहीं निरस्त हो जाएगा और मेरे बायोमेट्रिक का जब ले लिया जाएगा सारी चीजें तो वो ये साबित कर देगा कि मैं बांग्लादेशी हूं और मेरी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, एक चीज। दूसरा कि जो एनपीआर की बात हो रही थी, एनआरसी का जो डेटा लेंगे मतलब वो कहां से, वो बता असम में उन्होंने एक संख्या बताई थी बड़ी सी कि इतने गैर भारतीय और ये वो है, तो अभी जो वो यहां क्या बताएंगे। यूपी में वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है अभी जगह तमाम जगहों पर। मैं एक छोटे से संगठन से जुड़ा हूँ, यही मंच नाम है उसका, तो हम लोग कई जिलों में गए पता करने के लिए कि बीएलओ किन क्षेत्रों में बीएलओ जा रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है कि मोस्टली जो है दलित और मुस्लिम इलाकों में बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचने का मतलब है कि अगर आपने तय समय पर वोटर वेरिफिकेशन अपना नहीं कराया है तो वोटर लिस्ट से आपका नाम निकाल दिया जाएगा। और चूंकि बायोमेट्रिक जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि वो बायोमेट्रिक होगा एनपीआर, तो अभी उसकी बात चल रही, उन्होंने भी कहा नहीं, उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा नहीं हम मैनुअल कराएंगे, लेकिन वो आइडिया वही है। तो उसमें क्या करेंगे कि हम में से हर नागरिक अपने आप को बताएगा एनपीआर में कि हम हैं यहां पर हम रह रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा और वो जो गैप होगा हर स्टेट का, यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो हर जिले का हर जिले से एक से डेढ़ लाख दो लाख पांच लाख के आसपास वो गैप निकलेगा वोटर लिस्ट और एनपीआर के बीच का, और वो ये आधार बनाएंगे क्योंकि इतना संदिग्ध ये डी वोटर हो गया हमारा, इतना संदिग्ध। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।